दिन भर से इंतजार किया जा रहा था कि कब शादी खत्म होगी और कब रणबीर और आलिया जो हैं वो नीचे आएंगे 7 बजे के बाद और अपनी पहली झलक दिखाएंगे, लेकिन एबीपी न्यूज़ हमेशा से अपने दर्शकों को आगे रखता है। हमारे कैमरामैन जो हैं आतिश, वो इस काम में लगे हुए थे दिन भर से, और हमारे जो संवाददाता हैं कलीम सुलेमानी जो मेरे सहयोगी हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो हमें एक्सक्लूसिव विजुअल्स मिले हैं रणबीर और आलिया के, उसमें क्या कुछ है। कलीम आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो एबीपी न्यूज़ की जो टैगलाइन है कि आपको रखे आगे, तो इसलिए हम हमेशा सोच चाहते हैं कि दर्शकों को हम हमेशा आगे रखें। हम सुबह से लगे हुए थे, हर दर्शक मतलब हर कोई परेशान था हमारे, हम सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 9 बजे से कि एक दीदार मिले। कल से हम लोग लगे हुए हैं कि आलिया और रणबीर का एक दीदार हो सके कहीं से भी, लेकिन काफ़ी बड़ी मशक्कत के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। इतने मतलब पसीने बहा दिए हमने, 8 फ्लोर पैदल चल के गए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हम लगे हुए हैं, हमारे कैमरामैन भी जो आतिश कांबले हैं वो भी सोच कि आखिर क्या होगा क्या नहीं हो। मैंने कहा बस धीरज रखिए और हमें वो फिर से वो चीज़ है जो कैटरीना और विकी का जो शादी का जो हमें विजुअल मिले, तो बिल्कुल हमें वो लम्हा याद आ गया कि आज भी वही चीज़ हुई। मैं उसी विकी कैटरीना की शादी जो बरवाड़ा फोर्ट में हुई थी, वहाँ भी हमें एक्सक्लूसिव विजुअल मिले थे रणबीर और कैटरीना के। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था, और रणबीर और आलिया की जो बहुत ही मच अवेटेड शादी थी, लो की अफेयर है लेकिन फिर भी बहुत इंतज़ार किया जा रहा है उनकी एक झलक पाने का। अभी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त है कि वो नीचे आएंगे वास्तु बिल्डिंग के नीचे और अपनी झलक दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज़ की टीम जो है, आतिश कांबले आपने और सबने मिलकर, विभा ने, विभा कॉल भट्ट भी इसमें लगी थी, आप सब ने मिलकर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम सबके पास पहुँचा दी। जी बिल्कुल सही कहा, ये हमारी टीम का एफर्ट है क्योंकि हर कोई यहाँ पर पसीने बहा रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ लाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नया दिया जाए, कुछ नया दिखाया जाए। एक प्रेशर बना रहता है हर एक पे, और सिर्फ ये प्रेशर नहीं बल्कि आप इस काम को इंजॉय करते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कुछ नया लाने की कोशिश करते हो। नया तभी होता है कि जब आप कुछ नई चीज़ आप अपने दर्शकों को देते हो। तो वो लम्हा देख लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से टेरिस पे रणबीर और आलिया दोनों फोटो ले रहे थे, क्योंकि सनसेट हो चुका है, एक शाम हो चुकी थी, और हमने पिछले कल जो है हमने एक तस्वीर दिखाई थी जो टेरिस पे एक पेड़ ओड़ लगे हुए थे थोड़े से मरून से, वो हमें लग रहा था कि क्या हो सकता है। तो वो चीज़ ये थी कि आज शाम के टाइम जो है थोड़े से विजुअल, क्योंकि वो ओपन टेरिस है तो, और ये पीछे जो है दरिया है, तो उनको एक फोटो पिक्चर लेने की एक ख्वाहिश रही होगी, और उन्होंने बहुत ही फोटो सेशन किया और बहुत ही अच्छे से आई अपना रणबीर जो है आलिया के हाथ मतलब ऐसे गले में डाल के उन्हें एक प्यार वाली मतलब यू नो एक किस कर रहे हैं, एक वो खुशी का लम्हा, बेहद खूबसूरत लम्हा, जहाँ पर रणबीर आलिया को आलिंगन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, एकदम शादी के बाद जो पहली तस्वीर है बहुत ही खुशनुमा तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीर है। भले ही हमें बहुत दूर से और बहुत देर से मिली, लेकिन रणबीर और आलिया बिल्डिंग के नीचे आएँ, वास्तु बिल्डिंग के नीचे आकर अपनी झलक दें, उससे पहले हमने अपना वादा निभाया, आप लोगों को आगे रखा और सबसे पहले वो तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की। आतिश कांबले कैमरामैन आपका, विभा कॉल भट्ट का, पूरी टीम का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, और ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद खास है। जैसे ही आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं बस ये कह रहा था कि आलिया के सावरिया उन्हें तो मिल गए और उनके विजुअल हमें मिल गए। हाँ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ रही है हमारे साथ। जी जैसे ही रणबीर और आलिया वास्तु बिल्डिंग के नीचे आएंगे, अपनी पहली झलक देंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।